अगर आप रोज अखबार पढ़ते हैं या फिर न्यूज देखते हैं तो आपने हाल ही में चर्चित भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसे में सभी के मन में सवाल तो आते ही होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे लोग कहाँ रहते हैं और वे अपना खाने पीने का इंतजाम कैसे करते हैं और क्या इनको यात्रा में शामिल होने के लिए पैसे मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम सारे सवालों के जवाब जान लेते हैं। तो दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह कांग्रेस के द्वारा चलाई गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो गई है जो कि कश्मीर तक जाकर पूरी होगी और कार्यकर्ताओं के द्वारा यह बताया जा रहा है यह यात्रा मात्र 148 दिन में पूरी कर ली जाएगी। इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता अपने दिग्गज नेताओं के साथ पैदल कश्मीर पहुंचेंगे और इस यात्रा में वह सफेद कपड़ों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम लगाकर यात्रा करते दिखेंगे। ऐसे में सभी के मन में सवाल आता है कि आखिर कितने लोग इस यात्रा में शामिल होंगे और उनके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। तो दोस्तों इस यात्रा में 117 सदस्य तो स्थायी सदस्य होंगे जो कि कांग्रेस कार्यकर्ता ही होंगे और साथ ही बड़े बड़े दिग्गज नेता भी इनके साथ चलते रहेंगे जिसमें राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश जैसे कई नेता शामिल है। और इनके अलावा जो यात्री आते हैं वह कुछ ही समय के लिए रहते हैं जो कि कुछ ही दूरी तक इस यात्रा में शामिल होते हैं, लेकिन 117 स्थायी सदस्य इस रैली में साथ रहेंगे। इन 117 सदस्यों में हर राज्य के कार्यकर्ताएं शामिल हैं। इसके बाद में दूसरा लोगों के मन में सवाल आता है कि यात्री हर रोज कितना चलते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस यात्रा में शामिल सभी यात्री औसत करीब 25 किलोमीटर चलते हैं। यह यात्रा सुबह शुरू होती है, इसके बाद सभी लोग दोपहर में थोड़ा आराम करते हैं और फिर करीब 3-4 बजे से फिर यात्रा शुरू कर दी जाती है। इस यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह यात्रा 148 दिन तक चलेगी और माना जा रहा है कि यह वक्त से आगे भी बढ़ सकती है, यानी जो यात्रा 5 महीने में पूरी होने वाली थी उसको पूरे होने में 6 महीने भी लग सकते हैं। फिर अगला सवाल आता है कि ये यात्री रात को रुकते कहाँ हैं, क्या इनके लिए कोई होटल या धर्मशाला बुक करी जाती है। इसी पर पार्टी के एक कार्यकर्ता शत्रुघ्न शर्मा ने यह बताया कि लोगों के रहने के लिए कांग्रेस द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है, इनके लिए कोई होटल या धर्मशाला आदि बुक नहीं की जाती है। इसके लिए कांग्रेस ने ट्रक कंटेनर में सभी के लिए रुकने के लिए जगह बनाई है और इन सभी कंटेनर में एसी और बेड लगे हुए हैं। ये कंटेनर सभी के लिए अलॉट है और हर कोई अपने तय कंटेनर में जाकर सो सकता है। यह कंटेनर यात्रा के साथ साथ चलते रहते हैं। इसके बाद में लोगों के मन में सवाल आता है कि इन यात्रियों की खाने पीने की व्यवस्था क्या है और क्या इनको यात्रा में शामिल होने के लिए पैसे भी मिलते हैं। तो इसके बारे में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कांग्रेस के द्वारा इनके लिए खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है और इसके साथ हेल्थ को ध्यान में रखते हुए पार्टी द्वारा एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। मतलब कि यात्रा के दौरान अगर किसी की तबीयत खराब होती है या फिर स्वास्थ्य संबंधी और कोई समस्या आती है तो उनका उपचार भी किया जाता है। अब कई लोग सवाल करते हैं कि अगर यह यात्रा 5 महीने तक चलेगी तो कार्यकर्ताओं की आय का क्या होगा, उनके पास पैसे कहां से आएंगे। तो इसका जवाब है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों को आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से कोई पैसे नहीं मिलेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक कर जरूर बताइए। ऐसे ही नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।